हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बताऊंगा आप विंडो 10 के अंदर अपने लैपटॉप में अगर आपका लैपटॉप स्लो हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लैपटॉप में वायरस आ चुका है तो उन सभी को रिमूव कैसे कर सकते हैं। अपने लैपटॉप के अंदर वो फाइल जो कि हिडन फाइलें होती हैं जो हमें दिखता ही नहीं है लेकिन हमारे लैपटॉप में होता है, जब हम नेट चलाते हैं तो कई सारे अनवांटेड फाइलें हमारे लैपटॉप में आ जाता है बट हमें पता नहीं चलता उन सभी को कैसे डिलीट करना है और कैसे अपने लैपटॉप को बिल्कुल ही फ्री चलानी है, वो सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका नेट बहुत ज़्यादा खा रहा है, आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा नेट खा रहा है और आप उससे परेशान हैं कि आप लगा रहे हैं और आधे एक घंटे में आपका जो है लैपटॉप पूरा नेट खा जा रहा है तो उसको भी आप कैसे फ्री कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना, नहीं आए तो मत करना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो पसंद आने के बाद आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं नेट का ज़्यादा खाना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सभी के साथ है। तो आपको सबसे पहले जो है अपने लैपटॉप के विंडो के अपडेट को रोकना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है दिस पीसी, ये जो है ना, अगर आपको ये यहाँ पे ना मिले तो आप जो है अपने फोल्डर में जाएं, उसके बाद आपको दिस पीसी यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके लैपटॉप में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं मैनेजर में, ठीक है। ये आपको यहाँ दिख रहा है मैनेजर, और सेम आपको यहाँ पे भी ये दिखेगा। तो आपको ये लेफ्ट क्लिक करना है और उसके बाद आपको जाना है मैनेजर में। तो जाते ही आपके सामने जो है आपके लैपटॉप का जो मैनेजर है वो पूरा खुल जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए मेरे भी लैपटॉप थोड़ा स्लो रखा है तो मैंने सोचा इसके ऊपर ही क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और अपना काम भी हो जाएगा और मेरे दोस्तों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरा मैनेजर जो है यहाँ पे खुल चुका है और यहाँ पे आपको जाना है सर्विस एंड एप्लीकेशन में। खुलने के बाद आपको जाना है सर्विस के अंदर और जाने के बाद आपके सिस्टम का जितना भी फंक्शन है वो सारा यहाँ पे, जितने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे किसी को भी छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली आना है नीचे की तरफ स्क्रॉल करके और आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा विंडो अपडेट, इस पर सिंपली क्लिक करना है। सिंपली आप क्लिक करेंगे तो ये आपके जो है इसमें होगा मैनुअल, ठीक है, मैनुअल होगा और वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा मैनुअल। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पर करना है क्लिक और यहाँ पे मैनुअल से आपको कर देना है इसको डिसेबल, ठीक है। डिसेबल करने के बाद आपको यहाँ पे करना है स्टार्ट, मतलब कि मेरे सिस्टम की जो है अपडेट वो होगा डिसेबल। और उसके बाद आपको करना है यहाँ पे अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद आप कर दें ओके। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा है डिसेबल। अब आपको यहाँ पे विंडो अपडेट कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ यही वाली ओनली छेड़ना है, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा पहला, तो अपडेट नेट हमारा जो है लैपटॉप अब हमारे फ़ोन के बराबर खाएगा, बिल्कुल भी ज़्यादा 1 MB भी नहीं खाएगा ज़्यादा, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। खाए तो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुका है हमारा। अब जो है नेक्स्ट हमारे लैपटॉप का हैंग करने का प्रॉब्लम, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा 4 तरीके जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आप रिसाइकल बिन को कीजिए डिलीट, क्योंकि रिसाइकल बिन के जितने भी फाइल और फोल्डर्स हैं वो सारे जो है आपके सी में होते हैं, ठीक है। तो सी में होने की वजह से जो है आपका लैपटॉप काफ़ी स्लो चलता है। तो उसके लिए करना है आपको कंट्रोल ए करने के बाद शिफ्ट के साथ आपको करना है डिलीट। तो ये जब शिफ्ट और डिलीट दबाएंगे तो यहाँ लिख रहा है आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट 17 आइटम्स, जो भी मेरे 17 आइटम्स है, तो आपको करना है यस। तो ये सभी जो है आपके परमानेंट डिलीट हो गए, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लैपटॉप में अगर कोई डुप्लीकेट फाइल है या फिर डुप्लीकेट फोटोज है तो उसको कैसे डिलीट करते हैं, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि आप उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो पहले दूसरा काम ये हो गया हमारा। अब तीसरे में आपको जाना है सर्च बॉक्स में जाके यहाँ पे सिंपली आपको करना है रन, RUN दबा के आपको करना है एंटर। तो आपके सामने एक रन कमांड फाइल यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है TEMP, टैम्प करके आपको करना है एंटर, टैम्प करके एंटर। उसके बाद परमिशन हम दे रहे हैं अपने एक्सेस फाइल की, तो यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए आपके फाइल में जितने भी अनवांटेड जो फोल्डर्स हैं लैपटॉप के वो सारे यहाँ पे आ गए। ये सब देख रहे हैं 1-1 KB के,
2200 KB, 1-1 KB, 10-10 KB, और ये सभी आपके लैपटॉप। तो सिंपली क्या करना है, आप सभी को इन सभी को कंट्रोल ए दबा के सबको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें जितनी भी आपकी फाइलें हैं ना यहाँ पे, इन सभी को कंट्रोल ए से सभी को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डिलीट करना है। ठीक है, सिंपल डिलीट नहीं है, परमानेंट डिलीट हम कर रहे हैं 78 आइटम्स हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये सारे यहाँ से डिलीट हो चुके हैं परमानेंटली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा चीज़। और अब हमें दोबारा क्या जाना, दोबारा जाना सर्च पे और दोबारा टाइप करना रन, RUN, और रन करके करना आपको फिर से एंटर। और अब जो है हम यहाँ पे करेंगे परसेंट। देखिए परसेंट का आपके कीबोर्ड में एक ऑप्शन होगा, उसे करना है और यहाँ पे फिर लिखना है टैम्प, और उसके बाद दोबारा आपको लगा देना है इस पे परसेंट। और परसेंट लगाने के बाद आपको दोबारा करना है यहाँ पे ओके। ओके करते ही अब ये वो फाइल है जो कि आपके लैपटॉप में तो है लेकिन आपको दिख नहीं रहे हैं, वो हाइड फाइल है। फिर कितनी बड़ी बड़ी फाइलें हैं लेकिन आपके किसी काम के नहीं है, ये नेट चलाते टाइम ये सब भी आ जाते हैं और आपके लैपटॉप में छुप जाते हैं। ठीक है, और आपके विंडो को कर देते हैं स्लो। तो आपको यहाँ पे भी दोबारा करना है कंट्रोल ए, करने के बाद आपको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करना है। तो अब यहाँ पे जो हमारे 120 आइटम है जो कि हमारे लैपटॉप में बिना काम के फालतू में पड़े हुए, अब आपको कर देना है यस। तो ये देखिए यहाँ पे चला गया, लेकिन यहाँ पे एक दो फाइलें रह जाएगी, तो आपको या तो आप रिट्राई कर सकते हैं, और नहीं होता तो आप इसको स्किप करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। ये एक दो फाइलें होती है, कई बार हमारे फ़ोन के फोल्डर्स होते हैं या फिर ये कई बार नहीं जाते। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये करने के बाद अब जो है आपको अगला काम क्या करना है, इतना आपने सब कुछ कर लिया है, अब जाना है आपको अपने पीसी में। उसके बाद यहाँ पे आपको आने के बाद या तो आप यहाँ जा सकते हैं या फिर सिंपली यहाँ पे आप कर सकते हैं सेटिंग, और सेटिंग में जाके एंटर करेंगे और आप अपने लैपटॉप के सेटिंग में चल जाएंगे। चौथी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ठीक है, जो कि आपको करना ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पे जाना है सिंपली ऐप इंस्टॉलेशन में, और यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं। अब आप देखिए अगर आपके लैपटॉप में कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर दें। कि जो चीज़ हमारे यूज़ का नहीं है उसका हमारे लैपटॉप में पड़े रहना बेकार है, और फालतू में जो है अपने लैपटॉप को आप स्लो कर देंगे। तो मैं यहाँ से जो यूज़ के लिए नहीं होता मेरे लिए, वो मैं इसको यहाँ पे मैं रखता ही नहीं किसी भी फाइल को। बट ये देखिए ये है मेरे में PDF रीडर विंडो 10, और मेरे में ऑलरेडी एडोब को मैंने कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ से कर दूँगा रिमूव, अनइंस्टॉल। ठीक है, तो अनइंस्टॉल करके ये यहाँ से हट गया। बाकी जो भी आपके यूज़ के हैं उसको प्लीज़ ना हटाएं आप। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको किया रिमूव, यस कर दूंगा, हाँ जी मेरे को परमानेंटली इसे रिमूव करना है क्योंकि ये मेरे लिए बेकार है। ये देखिए ये यहाँ से रिमूव हो गया। अब ये सभी क्या है कि मेरे विंडो के हैं, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव नहीं करूँगा, देखिए बहुत ही कम है। और इन सभी को करने के बाद अब जो है मेरा लैपटॉप बिल्कुल फ्रीली चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है, और आपका भी चलेगा। अगर नहीं चलता है तो आप मुझे कमेंट करना कि भाई अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताऊँगा कि फिर क्या करना है। अपने जितने भी सिस्टम में, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, ये मेरा डी है, डिस्क, इसमें मेरे बहुत सारे फोल्डर है जिसमें शादी की, मैरिज की फ़ोटो, ये सारी चीज़ें। अब इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी है जो कि डुप्लीकेट हैं फ़ोटोज़ में, तो उनको हटाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा, या फिर क्या जुगाड़ करनी है, कौन सा कमांड यूज़ करने हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो आपको बना के दे दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे को 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाए। और आपके लाइक से हमें प्रमोट मिलती है, हमें लगता है कि हमें और इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए